ईसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 1 फरवरी 2022 का जो इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ, मैथ का जो एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर ये है और इसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। और यहाँ देखिए, ये आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, कौन सा कोड है। ये हम लोग जी कोड सोल्व करने वाले हैं बउआ। यहाँ जो कोड जी है आप लोग का, कोड जी का हम लोग यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर कोड जी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और तेजी में देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, एक्स के पावर 8 का यहाँ पर है ना आपको निकालना है। तो एक्स के पावर 8 का यहाँ जो मैट्रिक्स आपको दिया है, इसके लिए डी आंसर हो जाएगा बउआ। लेते जाइएगा आप लोग, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो यहाँ दिया गया, इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है, आप ध्यान रखिएगा। कॉसेक इनवर्स 2 इसका मान पाई बाई 6 हो जाएगा, ये आप मिला लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पेज पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए 4 है। यहाँ 4 का जो आंसर हो जाएगा सर, जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कॉमिटेटिव है ना, कॉमिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा। यहाँ पर आंसर इसका बी हो जाएगा बउआ, देख लो यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ कहा गया कि कुल है ना, कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित हो सकते हैं, है ना। तो इसमें डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड सेट, इसमें तो ये कहा गया इसका 2 के पावर 9 आपका हो जाएगा, ध्यान रखना है। 2 का पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा बउआ, 2 का पावर 9 5 का ई हो जाएगा। 6 का यहाँ इंटीग्रेशन कहा गया है, तो इंटीग्रेशन इसका जब सोल्व किया जाए तो 14/3 आएगा, इसका आंसर आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो वो अगला क्वेश्चन 7 नंबर में यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ 2 लाइन है ना, एक प्लेन और एक लाइन दिया है, दोनों को कहा है समांतर है, तो कौन सा रिलेशन, इसका सी हो जाएगा। हम लोग कोड जी देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ दोनों समांतर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ 9 नंबर का आंसर, यहाँ जब डॉट पहले इसमें डॉट मत कीजिएगा, फिर गलती हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसका क्रॉस कर लेना है, जब क्रॉस हो जाए ना, इसके बाद इसका डॉट कीजिएगा, इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 0 रहेगा। 10 नंबर देखिए, यहाँ पर 10 इनवर्स 2/9 इसका आंसर हो। हम लोग जी कोड देख रहे हैं, वो ध्यान रखना जी कोड, आप लोग का जो भी कोड रहेगा उसके अनुसार आप आंसर है ना क्वेश्चन देख और आंसर आप मिलाइएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, 11 का यहाँ पर देख लीजिए आंसर 11 का ये हो जाएगा। 12 में यहाँ देखिए, इसको अवकल समीकरण को हल करने के लिए बोला है, इसका भी आंसर आपका ये रहेगा। 13 नंबर में भी आपका यहाँ पर है ना समाकलन गुणांक बोला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 में देखिए है ना, 14 का आपका यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा बउआ। 15 में यहाँ देखिए है ना, मूल बिंदु से तल की दूरी का इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ तल है 2 दिया गया है और दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए कहा है, कॉस इनवर्स 4/21 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ दी का अनुपात है, इसे दी कोसाइन ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 17 का ये हो जाएगा। 18 में यहाँ डॉट प्रोडक्ट का है, इसका आंसर ये हो जाएगा बउआ। 19 का भी आपका आंसर यही रहेगा, 20 का भी आपका आंसर यही रहेगा, 21 का भी आपका आंसर यही रहेगा, यहाँ मिला लीजिए आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं और यहाँ देख लो बउआ, इंटीग्रेशन है, यहाँ इसका आंसर इसका बी रहेगा। 23 वाला का आपका डी हो जाएगा, 24 वाला का बी हो जाएगा बउआ, 25 का ए रहेगा, 26 का बी रहेगा, 27 का आपका बी हो जाएगा। आराम से इसको मिला लीजिए, पहले आप आराम से इसको मिलाइए। जो रेड से टिक किए हैं वो सब आंसर है, जो भी रेड से टिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बउआ 28 है, 28 का ए है। 29 यहाँ इंटीग्रेशन 1/2 इसका हो जाएगा आंसर बउआ। 30 का देख लीजिए, यहाँ पर बी आंसर आएगा। यहाँ 31 में आपको है ना सिमेट्रिक सममित आव्यूह कहा था, सिमेट्रिक इसमें कोई नहीं है बउआ, इसीलिए इसका आंसर इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को आपको लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी आपको जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी है एग्जाम, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी बायोलॉजी, ये सब सबका आपको सोल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा एग्जाम के बाद, ठीक है। तो इसको टोटल आपको पहले कम्प्लीट कर लेना है, या इसको मैच कर लेना है कितना आपका है ना नंबर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है बउआ, 32 का ई हो जाएगा। 33 देखिए, 33 का बी रहेगा, 34 का ए रहेगा, 35 का डी हो जाएगा। इसको आराम से पहले देखिए और मिला लीजिए, जिनका जी है ना कोड जी है वो ठीक ठाक है, जिनका कोड जी नहीं है अपना कोड के अनुसार है ना क्वेश्चन को मिलाइए, क्या इसका आंसर रहेगा।
चलो वो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, 36 का यहाँ देख लीजिए, 36 का ये है, 37 में हम मिलाइए 38 39, इससे मिला लीजिए आंसर क्या क्या रहेगा, है ना। 39 में दिया है द डिस्टेंस ऑफ प्लेन दिस फ्रॉम पॉइंट दिस, यहाँ दिया है प्लेन दिया है, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, इसका आंसर 2 हो जाएगा, तो सबका आंसर आप मिला लीजिए पहले आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, चलो वो मिलते जाइए, कोटी यहाँ पर दिया है, कोटी पूछा है ना, इसका ऑर्डर पूछा गया है, दी कोजिया में एक वैल्यू छोड़ दिया है, तो यहाँ आपको एल स्क्वायर प्लस सीम स्क्वायर प्लस सीन स्क्वायर वन करके आपका एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 42 है 43 है, सबका जल्दी से मिला लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। हाँ बउआ चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 है 45 है 46, सबका आंसर मिलते जाइए, देखिए आंसर किस तरह से है, अब क्या बना है मैच करी पहले कीजिए। चौवालीस का ये रहेगा, 45 का बी, 46 का ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बउआ लोग यहाँ देख लो, 47 है 48 है 49 है 50 है 51 है, सबका आंसर मैच करवाइए, जो भी रीड से टिकी हो सब सही आंसर है, और ये 100% आंसर सही है बउआ, ये 100% आंसर सही है, यहाँ जो आपका है ये 100% आपका आंसर सही है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, 52 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं अब, चलो 52 में देख लो, इसका बी हो जाएगा आंसर बउआ, इसका ए है, इसका सी है, इसका डी है, यहाँ देखो यहाँ आंसर ये है बउआ, ये दोनों का आंसर ये है, इसका भी आंसर ये, इसका भी आंसर ये है, 57 58 दोनों का आंसर आपका ये रहेगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आंसर इसका ये रहेगा, है ना, इसका सी है, सॉरी इसका डी है, इसका सी है, यहाँ देख लीजिए आप मिलते जाइए, 2 10 वर्स 1/2 का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ जाएगा 10 वर्स 4/3, दो घटनाएं स्वतंत्र है इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा सी आंसर, आप इसको मिलते जाइए। चलो अगला चलते हैं, चलो 63 नंबर क्वेश्चन हुआ, अपरिभाषित हो जाएगा, 63 के बाद यहाँ ये 64 है 65 है 66 है 65 है, इसको आराम से पहले मैच करवा लीजिए, जो भी रेड से टिक किया गया सब सब सारा का सारा आंसर सही है। चलो हम लोग ग्रुप जी का जो ग्रुप है उसी को हम लोग देख रहे हैं बउआ, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ देख लो, 66 है डी आंसर, 67 का ये आंसर हुआ, 68 है 69 है 70 है, मिला ही आंसर, अगर आप लोग ये सब बनाए हैं बिल्कुल सही है, और जो अब जो है ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाया गया था उसे सारा क्वेश्चन आ गया है बउआ, एक भी छूटा नहीं है, सब के सब क्वेश्चन आया हुआ है। चलो यहाँ देखो 71 नंबर, 71 है 72 है 73 है, इसको जल्दी से आप मिला लीजिए, 71 72 73 क्या आंसर है, देखिए 71 का बी यहाँ पर है, 72 का डी है, 73 का ए है, इस तरह से आप मिलाइए। चलो 74 75 76 77 यहाँ देख लीजिए, 74 75 76 77 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबका आंसर दिए हैं। तेजी में इसको मैच कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए, चलो बउआ यहाँ है 78 79 79 80 81 है, यहाँ पर देख लो ये सब का आंसर, 78 का ए हो जाएगा, 79 0 रहेगा बउआ, सी हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा, और 81 का आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, 81 82 83 84 85 86 87 सबका आंसर यहाँ पर दिया गया है, देख लो कंप्लीट है। चलो बहुत अच्छा बउआ, इसे अगर आप बना लिए होंगे तो बहुत अच्छा है,
और काफी आसान सा क्वेश्चन दिया है, एकदम जैसे आप सोच रहे थे उससे उससे भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रेड टिक जो भी है सब सही है, वो रेड टिक वाले साल है ना, आंसर दिया गया है रेड टिक वाला, सब देख लीजिएगा ये सब आंसर है। हो गया 93 तक, आराम से इसको मिला लीजिए पहले। चलो अगला चलते हैं, चलो इसको मिला लीजिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला दिन हम लोग को फिजिक्स का एग्जाम है, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, फिर केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सबका आंसर आपको दिया जाएगा बउआ, ठीक है। यदि आप लोग को सारा है ना सही है, बहुत अच्छा है, नए एनर्जी के साथ और अगला एग्जाम दीजिए। यदि गलती अगर कुछ गलती हुआ है तो ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, अगला एग्जाम पे हम लोग फोकस करना है आपको। चलिए यहाँ तक सब मिला लीजिए पहले। लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर आप यहाँ 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए बउआ, इसमें 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। इस वीडियो में केवल बउआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सोल्व किए हैं, इस वीडियो में सब्जेक्टिव ये सब है, अगर देखना चाहते हो तो देख लो। ये सब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन था, ये आपके 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो इसको भी आराम से आप देख लीजिए। ये लास्ट पेज है। चलिए आप हो आई होप कि आप लोगों को एग्जाम काफी अच्छा गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं, और वीडियो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी सबका आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए।